यरूशलेम की शहरपनाहों को खड़ा करना चुनौतीपूर्ण काम था। परमेश्वर के मंदिर को बनाना, उसकी मरम्मत करना, उसे फिर से पिछली महिमा में और पिछले वैभव में लेकर आना इससे भी कठिन काम था। लेकिन यह काम परमेश्वर ने अपने भक्तों के हाथों से करवाना बंद नहीं किया। कितने दशक बीत चुके हैं, लेकिन परमेश्वर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हुए काम आगे बढ़ते हैं। प्रजा परमेश्वर के अधीन होती है, काम सफल होता है। प्रजा परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, काम फिर रुक जाती है। परमेश्वर काम करवाना चाहते हैं, राजा मदद करना चाहते हैं। राजा मदद कर भी चुके हैं, लेकिन शत्रु भी पैदा होते जा रहे हैं। शत्रु किस प्रकार से राजा अर्तक्षत के समय में इस कार्य को रोके थे, शत्रु किस प्रकार से राजा दारा के समय में, राजा क्षयर्स के समय और राजा अर्तक्षत के समय में मंदिर के निर्माण के विरुद्ध और यरूशलेम के निर्माण के विरुद्ध खड़े हुए हैं, उसी प्रकार से आज फिर से खड़े हो जाते हैं। नहमिया किस प्रकार से इस काम में सफल होते हैं, परमेश्वर कैसे उनकी मदद करते हैं। वैसे तो नहमिया सूसन से रवाना होकर यहूदा के लिए निकल चुके हैं। यहूदा में पहुंचकर किस प्रकार से अपने कार्यों को कर रहे हैं, वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय सहायता को प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने, समझ प्राप्त करने, आत्मा अभिषेक को प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार हम सब एक मन होकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे शत्रु कितने भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, चाहे वो हजारों की संख्या में बाएं ओर आ पड़े या फिर 10,000 की संख्या में दाएं ओर आ पड़े, तो भी परमेश्वर हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ देंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारे शत्रुओं से प्रभु जी हमें बचाए रखेंगे, हमें छुड़ाए रखेंगे। इतना ही नहीं, शत्रुओं के ऊपर हमें जय भी दिलाएंगे। ऐसे महान प्रतिज्ञाओं का कर, ऐसे महान कार्यों को किया हुआ, आज भी करता हुआ, आगे भी करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा गौरव प्रभु जी, वंदना के साथ प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं हम सबको। दिया हुआ प्रोजेक्ट सुंदर से समय के लिए शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आप ही की दृष्टि में समर्पण करते हैं। सहायता करें, अपनी स्वर की महिमा प्रभु जी हम पर उन्हें ले। हर प्रकार की आवश्यकता प्रभु जी, हर प्रकार के प्रावधान अपने भक्तों के पास पहुंचाते रही है। रोगों से, बीमारों से प्रभु जी सभी को दूर रखने के लिए, हर दंगी मुसीबत से परमेश्वर सभी को छुटकारा देने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मन पसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान नहमिया का ग्रंथ दूसरा अध्याय में चल रही है। कल की हमारे ध्यान में पहला वचन से लेकर 9 वचन तक हमारी पढ़ चली थी। आज के ध्यान में हम 10 वचन से आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर नहमिया का ग्रंथ दूसरा अध्याय का 10 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी सनबलत और तोबियाना कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तो वहां 3 दिन रहा, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान ना था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। और हाकिम ना जानते थे कि मैं कहां गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। पर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी।
तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बांध लेंगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। ये सुनकर होरो ने सनबलद और तोबिया नाम कर्मचारी जो अमोनी था और गेशिम नाम का एक अरबी हमें टट्टा में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा की विरुद्ध बलवा करोगे। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग न हक न स्मारक है। नहमिया का ग्रंथ दूसरा अध्याय का दसवां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम नहमिया को देखते हैं जो यरूशलेम में पहुंचकर 3 दिन वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन जो काम करने के लिए निकल आया था और जो काम करने के लिए वहां पर पहुंच चुका है उसे पूरा करने के लिए, उसे अंजाम देने के लिए रातों रात निकल जाता है, किसी को खबर नहीं मिलती है। अपने सब कुछ पुरुषों को लेते हैं और अपने पशुओं को जिन पर सवार होकर जाते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं थे। ना तो किसी हाकिम को बताया, ना किसी प्रधान को बताया है, ना किसी याजक को बताया, ना किसी राइस को बताया है, और ना किसी प्रजा से बताया कि वह क्या करने के लिए आया था। रात भर घूमता हुआ यरूशलेम के सारे फाटकों से होकर, शहरपनाह से होकर, सारा नगर को देखने के बाद अगले दिन पुरनियों को बुलाकर, प्रधानों को बुलाकर, हाकिमों को बुलाकर और प्रजा से कहता है कि सुदेश के साथ किस कार्य को करने के लिए वो सूसन से यरूशलेम तक आया है, और राजा कैसे कैसी बातें उससे की है, कैसे मदद उसको पहुंचाई है, और परमेश्वर भी जो हमारे साथ है वो ये काम को करने में सफल है, इसलिए हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हियाव बांध देंगे। तब सब लोगों ने कहा कि आओ हम सब मिलकर इस काम को करेंगे, हम खुद इसे बना लेंगे। लेकिन नहमिया के सूसन से यरूशलेम तक पहुंचना और यरूशलेम में इस कार्य को आरंभ करना सनबलात और तोबिया को अच्छा नहीं लगा जो अमोनी थे, इसलिए उन्होंने आकर काम में बाधा डालना शुरू कर दिया, और साथ में गेशम नाम एक अरबी को भी लेकर आया था जो नहमिया को और उसके संग रहे लोगों को टट्टों में उड़ाने लगे और उन्हें तुच्छ जानकर उनसे कहने लगे कि वे क्या कर रहे हैं, राजा के विरुद्ध जाकर क्या तुम बलवा करोगे। इसके उत्तर में नहमिया ने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर इसे बनाएंगे, लेकिन इसे बनाते समय और बनाने के बाद भी यरूशलेम में न तुम्हारा कोई भाग होगा, न कोई हक होगा, और न ही तुम्हारा कोई स्मारक होगा। तुम्हारी यादें यहीं पर मिटाए जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार से सनबलत को, तोबिया को और गेशेम को चुनौती देकर नहमिया इस कार्य में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर नहमिया की और कैसे मदद करते हैं, क्या शत्रु बिना बाधा डाले हुए यहाँ पर खामोश बैठ जाते हैं, या फिर इससे पूर्व जिस प्रकार से राजा को चिट्ठी लिखकर काम को रोक दिया गया था वैसे दशकों बीत चुका है, वैसे कुछ काम के अभी करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कैसे उनकी मदद करेंगे, हमारे अगले ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में इस तरह समर्पण करते हुए सिरों को झुकाकर आंखों बंद कर हमारे वचनों को प्रार्थना के साथ में समापन करेंगे। नहमिया का साथ देकर, इज़रा का साथ देकर, यहूदियों का साथ देकर, दाऊद से प्रतिज्ञा कर, अब्राहम से भी प्रतिज्ञा कर, वही प्रतिज्ञा हमारे जीवनों में भी लेकर आते हुए, हमसे भी बातें करते हुए, हम सबों को न छोड़कर, न त्याग कर, न ठुकरा कर, हमारी देखभाल करते हुए, चिंता करते हुए, रखवाली करते हुए, ख्याल करते हुए, आप हमें प्रेम करते हुए, अपने कृपा दृष्टि में चलाकर प्रभु आपके भक्त ठहराकर, आपके गवाह ठहराकर, इतने अद्भुत कार्य प्रभु जी, इतने महान कार्य परमेश्वर, अपना नाम अपना पहचान भी देकर हम सबों के जीवन में प्रभु जी अपनी महिमा को प्राप्त करता हुआ, हमसे प्रसन्न होता हुआ, हमारे दयालु कर नामय अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं, गौरव परमेश्वर आपकी करते हैं, आराधना उपासना परमेश्वर आपकी करते हैं, सारे बातों के लिए, सारे उपाय के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं, भविष्य की चिंता परमेश्वर आप हमारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमारे हर एक काम आप सफल करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो कि हम फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सब भाग्यवानों की, आशीषमानों की और प्रभु जी सफल व्यक्तियों की गिनती में रखे जाकर आपके दिव्य सानिध्य में एक दूसरे को मिलने का सौभाग्य प्रदान करें। अगर ऐसा हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने की दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी अपने सुनकर दिवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। विशेष काम करने के लिए आप जा रहे हैं, विशेष अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलने जा रहे हैं, आप जैसे जैसे कदम उठाएंगे और जो जो काम करेंगे उन सब में परमेश्वर अपनी सहायता आपको प्रदान करें, आप सफल हो, आप कामयाब हो और परमेश्वर के लिए जीवित गवाह ठहरे। हमारी सिद्धवार कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।